नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद का व्यापक असर देश भर में नजर आ रहा है। बिहार, राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में प्रदर्शन लगातार जारी है। बीएसपी, भीम आर्मी समेत कई पार्टियों के कार्यकर्ता देश भर में इस पूरे मामले को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह लोग सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जताते हुए नजर आए। वहीं कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम समेत कई पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन भी किया। देश भर में जारी प्रदर्शन के बीच कई जगह सड़कों पर लंबा जाम नजर आया। वहीं कहीं प्रदर्शनकारियों ने कई जगह सड़कों पर टायरों में ही आग लगा दी। कई जगह बाजार पूरी तरह से बंद नजर आए। तो कुल मिलाकर अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश भर से अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आई हैं। पटना, औरंगाबाद, जहानाबाद, रांची, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, लखनऊ, गोरखपुर, आगरा और जौनपुर, अयोध्या की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां प्रदर्शनकारियों की तरफ से प्रदर्शन किया गया और पुलिसकर्मी भी उतनी ही मुस्तैदी के साथ उन्हें रोकने की कोशिश में लगातार लगे रहे। तो देश भर में क्रीमी लेयर के मामले को लेकर प्रदर्शन जारी है। कहीं आगजनी तो कहीं ट्रेनों के संचालन को रोका गया तो कहीं यातायात ही ठप हो गया। और भारत बंद को लेकर पटना के डाक बंगला चौराहे पर बंद समर्थकों ने तोड़फोड़ की है, जिसके बाद पुलिस ने बंद समर्थकों को रोकने के लिए बल प्रयोग किया। इस दौरान पुलिसकर्मी ने एसडीएम पर भी लाठीचार्ज कर दी। दरअसल एसडीएम श्रीकांत खांडेकर बंद समर्थकों को हटा रहे थे और तभी एक पुलिसकर्मी ने उन पर लाठीचार्ज कर दी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। क्रीमी लेयर मामले में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में तो झड़प हुई ही, लेकिन गलती से एसडीएम को भी लाठी लग गई है और वही तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और ये देखिए, एक पुलिसकर्मी जिन्होंने एसडीएम की लाठी से पिटाई कर दी, हालांकि ये गलती उनसे हुई है। फिलहाल एसडीएम इस बाबत कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रदर्शनकारियों को रोकने के बीच में पुलिसकर्मियों से ही गलती हो गई और एसडीएम के ऊपर ही लाठी एक पुलिसकर्मी ने चटका दी। तो आरक्षण में क्रीमी लेयर मामले पर भारत बंद है। डाक बंगला चौराहे की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रदर्शनकारियों की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया और इसी बीच एसडीएम के ऊपर पुलिसकर्मी ने ही लाठी चटका दी। उन्हें पहचानने में उनसे गलती हो गई। हालांकि वहां पर मौजूद सभी पुलिसकर्मी वर्दी में थे, लेकिन इसी दौरान तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और ये पुलिसकर्मी जिसके हाथों में लाठी है वो आपको देख पा रहे होंगे आप उन्हें, और उन्होंने अपनी लाठी से एसडीएम की ही पिटाई कर दी। हालांकि ये गलती उनसे हुई है। एसडीएम ने खुलकर इस पूरे मामले पर अब तक कुछ भी नहीं कहा है। और भारत बंद को लेकर राजधानी पटना में बंद समर्थकों का जुलूस डाकबंगला चौराहा पहुंच गया। भारत बंद के दौरान बंद समर्थकों ने तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने बंद समर्थकों को रोकने के लिए बल का प्रयोग किया। डाकबंगला चौराहे पर सिटी एसपी, एसडीएम समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। खुद यहाँ पर मौजूद भारी संख्या में पहुंचे थे और पुलिस उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है और काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। जब बैरिकेडिंग तोड़ी गई उसके बाद लगातार प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे थे और इसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया। यहाँ पर तमाम अधिकारी मौजूद थे, यहाँ पर सिटी एसपी, एसडीएम, डीएसपी, तमाम अधिकारी मौजूद थे। अब प्रदर्शनकारियों को दूर दूर तक खदेड़ा जा रहा है। सिटी एसपी सेंट्रल खुद यहाँ पर मौजूद थे और अब प्रदर्शनकारियों को यहाँ से खदेड़ा गया है। क्यों बल प्रयोग करना पड़ा आप लोगों को? ये भारत बंद वाले प्रदर्शनकारी जो है हिंसा पर उतारू हो गए, बैरिकेडिंग तोड़ दिया, रूल ऑफ लॉ को ब्रेक किया, उसके बाद वो आगे बढ़ना चाह रहे थे, वायलेंस पर उतारू थे। वैसे स्थिति में वाटर कैनन चला और हल्का बल का प्रयोग किया गया। पूरा नाम क्या होता है? एमएस खान। एमएस खान मजिस्ट्रेट हैं डीएम कंट्रोल रूम के। और देखिए, अब पुलिसकर्मी वापस लौटते हुए इधर तस्वीरों में देखिए, अब पुलिसकर्मी जो है यहाँ से लौट रहे हैं। काफी अफरा तफरी का माहौल जो है वो बन गया यहाँ पर। और देखिए, प्रदर्शनकारी ऐसे भागे कि वो अपनी गाड़ी भी छोड़कर यहाँ से भाग गए। अब पुलिसकर्मियों को मशक्कत करनी पड़ रही है गाड़ी को बंद करने में। जो प्रदर्शनकारी थे यहाँ से भाग चले हैं। ऑटो का शीशा यहाँ पर टूट गया है,
लाठी चार्ज के दौरान, और अब प्रशासन इसको सीज करेगा। और कई समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और अब उनको वैकल्पिक जो जेल बनाया गया है वहां ले जाया जाएगा। और हम लोगों पे लाठी चार्ज करके अब पुलिस ले जा रही है। दलितों को बलात्कार किया जाता है, उन अपराधियों को नहीं पकड़ा जाता है, मगर दलित शांतिपूर्ण तरीके से आरक्षण की मांग कर रहे हैं तो दलितों पे लाठी चार्ज किया जाता है। यही बिहार की सरकार है, यही केंद्र की सरकार है। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है, हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। हिरासत में ले जा रही है। अमित के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और भारत बंद को लेकर 5 जिलों की तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें दरभंगा, मोतिहारी, पटना, आरा और पूर्णिया में प्रदर्शनकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया है। पुलिस प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलर्ट मोड में नजर आई। अलग अलग 5 तस्वीरें दरभंगा, पटना, पूर्णिया, आरा और मोतिहारी की आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कोटे में कोटा का विरोध इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से किया जा रहा है। कहीं ट्रेन के परिचालन को रोका गया तो कहीं सड़कों पर बैरिकेडिंग तोड़ी गई। और अलग अलग तस्वीरें आप आगजनी की भी देख पा रहे होंगे। और अब बात करते हैं जमशेदपुर की, जहां भारत बंद की वजह से बंद समर्थकों ने NH-33 सोनारी का डोबो पुल और आदित्यपुर का टोल ब्रिज जाम कर दिया है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शहर से बाहर जाने वाले सभी मार्ग को बंद समर्थकों ने जाम कर रखा है। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आशीष तिवारी। के बाद भारत बंद का आह्वान किया गया था और इस भारत बंद का आह्वान जमशेदपुर शहर में इसका खास तौर पर असर देखने को मिल रहा है। तमाम जो हाईवे है, NH-33 हो या डोबो डैम हो, तमाम जगहों पर जो है भारत बंद के जो समर्थक है वो सड़क जाम करके वाहनों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मगर दूसरी तरफ जमशेदपुर शहर से जो दूर दराज बसें जाती थी, रांची, हजारीबाग, उस पर खास तौर पर असर देखने को मिल रहा है। अभी मैं मौजूद हूँ जमशेदपुर के मानगो बस स्टैंड में, जहाँ आप देख सकते हैं कि जो जमशेदपुर से सैकड़ों की संख्या में रांची के लिए, धनबाद के लिए, हजारीबाग के लिए जो बसें चलती थी वो सुबह से ही इसके पहिए बसों के थम चुके हैं और बस में किसी तरह कोई हानि ना हो उसको लेकर बस मालिकों ने पूरी तरह से ये सेवा जो है वो ठप कर दिया है। और आपको बता दूं कि हजारों की संख्या में यात्री जो है जमशेदपुर से रांची, धनबाद और तमाम जगहों पर अन्य जिलों पर जाते थे, जिनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सुबह से ही जो बंद समर्थक है वो सड़क पर निकलकर वाहनों को बंद कर रहे हैं, मगर जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा के चार चौबंद तैयारी की है, लोगों को किसी तरह परेशानी ना हो उसको लेकर विशेष रूप से पुलिस बल की जवान की तैनाती भी की गई है। मगर बड़े बड़े दूर दराज जो बस जाते हैं, साथ ही साथ जो हाईवे है उनको पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। और आपको बता दूं कि भारत बंद का समर्थन जो है झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी, तमाम पार्टियों ने समर्थन किया है। और इस बंदी का क्या कुछ आगे असर होगा वो आने वाला समय ही बताएगा, मगर आम लोगों को खास तौर पर इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। मुझे लगता है कि जो हमारे ST-SC जो ये कम्युनिटी में आपस में तोड़ने का या एक दूसरे को आपस में बांटने का काम करने में तुली हुई है। मांग आरक्षण को लेके है कि जिस तरह से अभी जो बोला जा रहा है कि जिनको नौकरी दिया जाएगा हमारे ST लोग को, उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाएगा। मांगे कि जो संविधान में जो लिखा गया है उसे उस पर बदलाव ना किया जाए। रांची जाना था, मानगो बस स्टैंड से। हाँ, पता यही चला, इन्होंने बोला कि हम रांची जाएंगे, आप लोग टिकट कटा लो। टिकट कटाने का बाद में घुमा फिरा के लाके यहाँ छोड़ दिए, बस लेकर के भाग गए सारे। मेरे को रांची जाना था, रांची से आगे रामगढ़ भी जाना था मेरे को। ठीक है, बस वाला बोला चले जाएंगे करके, और बीच रास्ते में 2 घंटा घुमाया फिर वापस यहीं आ गया, और पैसा देने का बारी आएगा तो लोग भाग गया। यहाँ टाटा आए हुए बस स्टैंड में, यहाँ से रांची से पैसा भी ले लिया और बस का कंडक्टर, खलासी सब भाग गया घुमा के, और परेशानी तो हो ही रही है। और नवादा में बंद समर्थक अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने शहर के प्रजातंत्र चौक पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। हालांकि इस दौरान एम्बुलेंस इमरजेंसी सेवा को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। भारत बंद का असर अलग अलग प्रखंड में अलग अलग देखने को मिला। और अगली तस्वीर पटना सिटी से आपको दिखाएंगे, जहां सुल्तानगंज में राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास के छात्र और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकाला। छात्रों और कार्यकर्ताओं ने सुल्तानगंज के पास सड़क पर आगजनी कर नाराजगी जाहिर की और संविधान के साथ छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगा दिया। साथ ही आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर दी है।
कार्यकर्ताओं ने मांग पूरी नहीं होने पर पूरे देश में उग्र आंदोलन चलाए जाने की चेतावनी दी। भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह चौकस नजर आ रही है। सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती देखी जा रही है। लोग चाहते हैं कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए और निजी क्षेत्र न्यायपालिका में आरक्षण मिले और पूरे देश में जाति जनगणना हो और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार कानून बनाकर के वापस ले। इसलिए हम लोग भारत बंद के लिए उतरे हैं और हम लोग चाहते हैं कि आरक्षण के किसी भी प्रकार का हम लोग समझौता नहीं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने छुआछूत के नाम पे या उसके अस्पृश्यता के नाम पे जब रिजर्वेशन दिया तो ये सुप्रीम कोर्ट क्या औकात होती है कि जो है सामाजिक के आधार पर जो रिजर्वेशन खत्म कर देगी। अरे सुप्रीम कोर्ट का क्या काम होता है? हमारे कानून को सुरक्षा देना, संरक्षण करना, ना कि कानून बनाना। वो संविधान से बढ़कर नहीं है, वो संसद से बढ़कर नहीं है सुप्रीम कोर्ट। और छपरा में भारत बंद के आह्वान के बाद आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के समर्थक सड़कों पर उतर आए। एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विरोध जताया जा रहा है। छपरा में कई महत्वपूर्ण सड़क बंद समर्थकों के कब्जे में है। दारोगा राय चौक पर बंद समर्थकों ने आगजनी कर सड़क को जाम कर रखा है। डिमांड है जो सुप्रीम कोर्ट से कोटा में कोटा का जो प्रावधान है क्रिमिनल लेयर का जो प्रावधान माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है हम लोग उसके विरोध में आज पूरा भारत बंद किए हैं। छपरा में बहुत अच्छा तरह के बंदी है, पूरा सगरो बंदी है। मुद्दा जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट जो है ये कोटे में कोटे का जो प्रावधान किया है क्रिमिनल लेयर का उसके विरोध में हम ये पूरे भारत में बंदी पर आए हुए हैं। और ये जो है सिर्फ एससी एसटी में ही कोटे पर कोटे करने का ये जो हुआ है ये सब भारत के संविधान का विरोध है और उस संविधान के समर्थन में हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन में पूरे भारत में खड़े हैं। और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरकर भारत बंद का समर्थन किया। सांसद ने आरएन साव चौक पहुंचकर आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चे के साथ समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने दबे कुचले लोगों को आरक्षण देकर आगे बढ़ाने की कोशिश की थी लेकिन सरकार उसे धीरे धीरे खत्म करना चाहती है जिसको बचाने के लिए हम लोग आज सड़कों पर उतर आए हैं। जी नौकरी को रोजगार को प्रश्रय दे दिए, सरकारी नौकरी आपने खत्म कर दी तो आरक्षण वैसे ही खत्म हो गया। ठीक, उसके बाद आप लगातार शुरू से एसटी एससी का मूल्यांकन नहीं किए कि आरक्षण के बाद कितना उनके आर्थिक शैक्षणिक उनके अधिकार को सम्मान दिया कि नहीं। आप बैग दरवाजे से यदि आप क्रिमिनल एसटी एससी में भी लोगे 1.3% भी उनको अभी तक रोजगार नहीं मिला तो भैया ये तो आपस में विवाद के साथ साथ आपकी मनसा सही नहीं है कि आप तो शुरू से आप आरक्षण विरोधी दिखते हैं। सीएसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है जिसका असर बेगूसराय में भी नजर आया। प्रदर्शनकारियों ने NH 31 को जाम कर दिया जिससे सड़क पर गाड़ियों का परिचालन ठप हो गया, लंबी लाइन लग गई। सड़क जाम से लोगों को आवागमन में समस्या होने लगी। सूचना पर पहुंचे सदर डीएसपी एसडीपीओ ने लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटाने की पूरी कोशिश की। के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध में आज संपूर्ण भारत बंद किए हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के द्वारा संपूर्ण भारत बंद का ऐलान हुआ और उसी के अंतर्गत आज बेगूसराय जिला का भी चक्का जाम है। और हमारी मांगे सिर्फ ये है कि हम अनुसूचित जाति को आपस में बांटने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। और कटिहार में आरक्षण की मांग को लेकर बंद समर्थकों ने सड़क पर क्रिकेट खेलकर विरोध जताया। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आरक्षण की मांग को सफल बनाने के लिए बंद समर्थकों ने शहीद चौक पर क्रिकेट खेला। इस अनोखे अंदाज में मांग को वापस लेने की अपील की गई। सरकार और बिहार सरकार को ये दिखाना चाह रहे थे कि आप देख लीजिए कि किस तरह से रोड खाली है, आने वाले दिन में आपका जो है विधानसभा लोकसभा भी सीट इस तरह से खाली पड़ा रहेगा अगर। और गोपालगंज में भारत बंद को लेकर प्रदर्शनकारियों ने NH 27-531 सहित कई सड़कों को जाम कर दिया। भारी संख्या में महिलाएं और छात्राएं भी प्रदर्शन में शामिल हुई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है।
असर गोपालगंज में भी देखने को मिल रहा है। भारत बंद के समर्थन में पूरी इस वक्त कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर उतर रहा है। तमाम लोग भी इन लोगों से बात करेंगे। भारत बंद कितना सफल है आज? आज भारत बंद पूरी तरह से सफल है। पूरे जनता से, जिले के प्रत्येक पंचायत से, प्रत्येक गांव से, यहां तक कि वार्ड से लोग पहुंचे हुए हैं। 25 से 30 हजार के तादाद में लोग हैं। सभी लोग संवैधानिक तरीके से लोगों से आग्रह कर रहे हैं और लोग जो हैं संवैधानिक दायरे में रह के अपने सभी बंधुओं से, व्यवसायी भाइयों से, देश की जनता से निवेदन किए हैं। यहाँ के व्यवसायी भाई भी अच्छे हैं, वे लोग हमारा आंदोलन में साथ दिए हैं। आंदोलन पूरी तरह सफल है। सभी समाज, सभी न्यायप्रिय लोगों का समर्थन मिला है। पूरे दलित समाज, अंबेडकरवादी लोग, OSC ST OBC लोगों का भी समर्थन है। तमाम लोगों का, गोपालगंज जो न्यायप्रिय लोग, सभी समाज के लोगों का समर्थन मिला है। सभी सामाजिक संगठन, बुद्धिजीवियों का और आम लोगों का सहयोग मिला है। और भारत गोपालगंज जिला का सभी शहर बंद है, आप घूम करके देख लीजिए, सक्का भी जाम है, कहीं कोई गाड़ी नहीं चल रही है। और सभी जिला मुख्यालय से लेकर के प्रखंड मुख्यालय, सभी चौक चौराहा बाजार बंद है। तो भारत बंद के तहत गोपालगंज में तमाम दुकानें बंद है। वहीं अगर बात करें गोपालगंज सिवन हाईवे की या फिर NH 27 की, तो सड़कों पर भी वाहनों का परिचालन पूरी तरह से ठप है। गोविंद कुमार, News 18 गोपालगंज। और सहरसा में भारत बंद का असर दिख रहा है। भीम सेना के कार्यकर्ताओं ने थाना चौक के पास सड़क जाम करके केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिवपुरी ढाबा के पास ट्रेन को रोककर विरोध जताया। स्टेट हाईवे बलुआह पुल पर आगजनी करके रोड जाम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले वापस नहीं लेने तक विरोध प्रदर्शन जारी रखने की धमकी दी है। आरक्षण हमारे कोई भीख में नहीं मिला है। आरक्षण कोई माने आधार पर नहीं मिला। छुआछूत, भेदभाव हम लोगों को साथ, हिरदन के साथ अत्याचार जो हो रहा था, इसके कारण दलित शोषित को जो अत्याचार के कारण बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हम लोगों को आरक्षण दिया है, उस आरक्षण के आधार पर ये सुप्रीम कोर्ट या ये सरकार गलत ढंग से इसको यूज करता है और हमें लोग को बांटने के अधिकार समाप्त करना चाहता। हमारे आरक्षण का सुप्रीम कोर्ट में जितना भी जज है, एक भी सारे स्वर्ण जज है, एक भी जज SC ST OBC माइनॉरिटी का नहीं है। किस चीज़ को लेकर आप बंद किए, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि सरकार से वर्गीकृत जो है ये किया जा रहा है हमारे समाज के साथ, जो आरक्षण में जो वर्गीकृत है लागू किया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको वापस लिया जाए, यही मांग है हमारे समाज को और हम लोग का। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बेटियों से दरिंदगी, बदलापुर में हुआ बवाल, मासूमों के साथ हुई छेड़खानी से गुस्से में है पूरा देश। बच्चियों की यौन शोषण की जांच करेगी SIT की टीम। बच्चियों से दरिंदगी के बीच ये मामला और भी ज्यादा सुलग गया है। शहर में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है और एक्शन में शिंदे सरकार नजर आ रही है। मासूमों के साथ हुई छेड़खानी से गुस्से में पूरा देश नजर आ रहा है। बदलापुर में भीषण बवाल, गुस्साए लोगों का हंगामा। यौन शोषण के खिलाफ गुस्सा, स्कूल में बच्चियों से गंदी बात, हमारे मुख्यमंत्री सक्षम है जिन्होंने ये केस को फास्ट ट्रैक में भेजा। सुलग उठा बदलापुर, ये तस्वीरें आक्रोश की आग में जल रहे महाराष्ट्र के बदलापुर की हैं। बदलापुर में एक स्कूल में 3.5 साल की दो बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले को लेकर गुस्साए लोगों ने आज जमकर हंगामा मचाया। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और आरोपी के खिलाफ
कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने सबसे पहले उस स्कूल को निशाना बनाया जहां नर्सरी की दो बच्चियों के साथ यौन शोषण का आरोप है। गुस्साए लोगों ने स्कूल का गेट तोड़ दिया और उग्र भीड़ स्कूल के अंदर घुस गई। स्कूल में जमकर तोड़फोड़ और विरोध प्रदर्शन के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने बदलापुर रेलवे स्टेशन का रुख किया, जहां पर विरोध प्रदर्शन के बाद रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया। कई घंटों तक ये विरोध प्रदर्शन चलता रहा, जिसकी वजह से ट्रेनों की आवाजाही थम गई। प्रदर्शनकारियों की बेकाबू भीड़ को रोकने के लिए जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे तो कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को लाठी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए, खबरें लगातार जारी है।